हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आदित्य सिंह। अभी हम लोग बात कर रहे थे, हमारी बात की सीरीज चल रही है DSSSB कॉमर्स PGT। इस सीरीज में पहली यूनिट की बात हो चुकी बिजनेस एनवायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। बता चुका कि इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। जो मैंने बताया वो UGC नेट लेवल की बातें हैं और वो बातें आपके PGT में पूछी जाएगी। कारण ये मास्टर्स लेवल का एग्जाम है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट नंबर टू का नाम है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ये दो शब्द से बना, बट ऐसा नहीं कि बहुत छोटा है, बहुत अच्छा सा यूनिट है, बस खत्म हो गया, दो वर्ड ही तो है। ये यूनिट बहुत डिटेल है भाई। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग अगर मैंने बोल दिया, ऑडिटिंग को पहले करते हैं साइड, पहले अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं भाई। अकाउंटिंग वर्ड अगर मैंने बोला तो क्लास 11th 12th तक की बातें याद कर लो आप। क्लास 11th 12th से लेके अब तक जितने टाइप्स के अकाउंट्स आपने पढ़े, चाहे फाइनेंशियल अकाउंट हो, फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी फाइनेंशियल हो, आपकी कॉरपोरेट हो, कॉस्ट हो, जितने तरीके की मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो भी अकाउंटिंग आपने पढ़ी है, सब कुछ पढ़ना है यहां पे। उसकी थ्योरी से लेके उसके प्रैक्टिकल तक की एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेशंस आपको यहां पे पढ़ना पड़ेगा। अकाउंटिंग एक वर्ड वो लिख के चला गया, उसमें कुछ भी दे सकता है। पार्टनरशिप से लेके, पार्टनर के डेथ से लेके, रेजिग्नेशन से लेके, हर एक चीज। कंपनी अकाउंट, कंपनी बनती कैसे, कौन कौन से उसमें डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होते हैं, क्या होता है MOA AOA, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक आपसे पूछी जाएगी। दूसरा पार्ट क्या था इसका, ऑडिटिंग। भाई अकाउंटिंग है तो ऑडिट तो जरूरी है, ऑडिटिंग होता है, CS आप पढ़ते हो, है ना, ऑडिटर्स। भाई ऑडिटर्स कौन होते हैं, ऑडिटिंग का अलग से पेपर, ऑडिटर्स अलग अपॉइंट भी होते हैं। जो कंपनी का बही खाता है, कंपनी ने तो बना दिया, कंपनी या कोई भी सिंगल ओनरशिप में कोई कंपनी है, जो भी है, आखिर उसको चेक तो करना पड़ेगा, उसने सही बनाया है, गलत बनाया है, कैसा बनाया है, उसको चेक करने के लिए ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं। भाई कुछ लोग खुद के ऑडिटर भी रखते हैं, कुछ बाहर से मैंडेटरी भी होता है। तो ये ऑडिटर्स क्या करते हैं, उस बही खाते को, उस खाते को, उस अकाउंट को ऑडिट करते हैं। तो कितने तरह के ऑडिटर होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स, फंक्शन क्या है ऑडिटर्स की, कौन